साक्षी मलिक ने राजनीति में आने से क्यों किया इनकार? साक्षी मलिक नहीं जाएंगी राजनीति में। साक्षी मलिक ने राजनीति से खुद को रखा दूर, अब क्यों रखा आइए जानते हैं। भारत की पूर्व पहलवान और रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने साथी पहलवान विनेश फोगाट और टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता और भारतीय कुश्ती में सबसे मशहूर नामों में शुमार बजरंग पुनिया के राजनीति में जाने के बाद कहा कि उनका ध्यान भारत को खेलों में नंबर वन बनाने पर है, न कि राजनीति में जाने पर। वहीं पेरिस ओलंपिक से अयोग्य ठहराए जाने के बाद संन्यास की घोषणा करने वाली विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जुलाना से टिकट दिया है। इसके अलावा साक्षी मलिक ने राजनीति से परे हटते हुए कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूं और न ही मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ी हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा पूरा ध्यान भारत को खेलों में नंबर वन बनाने पर है। उन्होंने भारतीय खेलों पर जोर देते हुए कहा कि मेरा सपना है कि भारत को कम से कम 50 ओलंपिक पदक मिले। उन्होंने कहा कि देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मेरा जीवन देश को समर्पित है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं देश भर में बच्चों को मुफ्त खेल प्रशिक्षण प्रदान करने और कुश्ती को हर घर तक ले जाने के मिशन पर काम करूंगी। मैं हर शहर में अच्छे खेल सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए काम करूंगी। साक्षी मलिक ने यह भी कहा कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के राजनीति में शामिल होने का उनका ये व्यक्तिगत निर्णय है और साक्षी ने दोनों खिलाड़ियों को राजनीति में जाने के लिए शुभकामनाएं भी दी। बता दें कि बजरंग पुनिया और विनेश दोनों ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पार्टी की सदस्यता लेने पहुंचे और दोनों पहलवानों के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर रेसलर साक्षी मलिक ने इशारों में तंज भी कसा। अब विनेश फोगाट के कांग्रेस उम्मीदवार बनने की चर्चाओं पर साक्षी मलिक ने कहा कि ये सब उनका निजी फैसला है। साक्षी ने कहा कि हमारे आंदोलन को गलत रूप ना दिया जाए, महिलाओं के लिए मेरा आंदोलन आज भी जारी है। मैंने हमेशा कुश्ती के बारे में सोचा है, मैंने कुश्ती के हित में काम किया है और आगे भी करूंगी। मुझे बड़े ऑफर भी मिले लेकिन मैं जिस चीज से भी जुड़ी हूं उसके अंत तक काम करना है। जब तक फेडरेशन साफ सुथरा नहीं हो जाता और बहन बेटियों का शोषण बंद नहीं हो जाता, मेरी लड़ाई जारी रहेगी। वही साक्षी मलिक ने दावा किया कि उनके पास भी पॉलिटिक्स में जाने का ऑफर आया था जिसे उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया कि उनका मकसद केवल अपने खेल पर फोकस करना है, मेरा मकसद पॉलिटिक्स करना नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अब भी कुश्ती और महिलाओं के लिए काम करना जारी रखूंगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं मानती हूं कि हमें त्याग करना चाहिए। आपको बता दें कि साक्षी मलिक भाजपा के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ युवा पहलवानों को परेशान करने का आरोप लगाने और विरोध प्रदर्शन करने वाले प्रमुख चेहरों में से एक थी। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।